हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस पंचरत्न दाल, जिसे पंचमेल दाल भी कहा जाता है, जो पांच दालों के मेल से बनती है। ये दाल खाने में जितनी टेस्टी होती है, उतनी ही ये पौष्टिक भी होती है। आप इस दाल को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी। पंचमेल दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने पांच तरह की दाल ली है। 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप छिलके वाली उड़द की दाल, 1/4 कप अरहर दाल, 1/4 कप लिया है मसूर की दाल और ये है मूंग की दाल। इन सभी दालों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए भिगाकर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। आधे घंटे हो गए हैं फ्रेंड्स, सभी दालों को अच्छे से धो लिया है और साफ पानी में रख दिया है। इसको अब हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से दाल फूल गई है। कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी और इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि दाल ऊपर आके गिरने ना लगे। कुकर को इंडक्शन पर चढ़ा दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर इसमें 5 से 6 सीटी हम लगाएंगे और पूरा प्रेशर इसमें से निकल जाने के बाद ही हम इसको खोलेंगे। 6 सीटी लगाने के बाद कुकर भी अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम अपनी दाल को चेक करेंगे तो हमारी दाल अब बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, इसमें डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें हम ये डालेंगे प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको बिल्कुल महीन काट लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि प्याज हमारा जल्दी भुन जाएगा। जब प्याज का कलर चेंज होने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और मिक्स कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, जिसका प्यूरी बना लिया है, इसको हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब टमाटर को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से घी अलग ना होने लगे। अब टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है और घी भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। और दाल में एक बॉयल लाएंगे। दाल में जब बॉयल आने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और मिक्स कर देंगे। अगर दाल गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी ऐड करने से पहले उसको पानी को गरम कर लें। तो यहाँ मैं 1/2 कप गरम पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम दाल को 2 से 3 मिनट और पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब उसमें डाल देंगे हम धनिया की पत्ती, तो इसको भी महीन काट लिया है, ऐड कर देंगे
और मिक्स कर देंगे। दो से तीन मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब ये पंचरत्न दाल बनकर रेडी हो गई है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये पंचरत्न दाल राजस्थान की फेमस दाल है, जिसको बाटी के साथ सर्व किया जाता है। इसको चावल के साथ, चाहे रोटी के साथ, जिसके भी साथ आप खाना चाहें, आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी पंचरत्न दाल बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।